गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बनी 5 मंजिला इमारत में आज दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। खोड़ा इलाके के अर्चना एन्क्लेव में बनी 5 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग की सूचना पर फायर विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गई। वहीं बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग इमारत के प्रथम तल पर लगी, जहां रामजी मिश्रा का फ्लैट है उसमें लगी थी। फ्लैट बंद था और फ्लैट में रहने वाला परिवार बाहर गया हुआ था। अचानक पहली मंजिल पर लगी आग फैलकर अन्य तलों के फ्लैट तक भी पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग में कई छोटे छोटे कई फ्लैट हैं, जिनमें रहने वाले करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वैशाली फायर स्टेशन के अलावा तुरंत ही नोएडा से भी फायर की एक गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है, आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगी हो। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। आग लगी है, क्या हालात है, कितने लोग रेस्क्यू किए? 3:46 पर आग लगने की सूचना मिली कि 5 मंजिला मकान में भयंकर आग है, जिसको देखते हुए तत्काल 3 गाड़ियां वैशाली से और नोएडा से भी एक गाड़ी मंगा ली गई थी। और चला कि ये 5 मंजिला मकान के प्रथम तल पर फ्लैट जो है रामजी मिश्रा जी का फ्लैट था, जो कि बंद था घटना के समय, उसमें आग लगी हुई थी और पूरी होने से सभी ऊपरी तलों पर भी जो है फैलने का अंदेशा था। तत्काल जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है सब उसको बुझा दिया और जो भी ऊपर लोग थे उनको जो है सुरक्षित जो है वो लोग पहले कुछ लोग पहले निकल रहे थे, कुछ लोग ऊपर थे तो उनको जो है सुरक्षित स्थान पर किया गया। सर मुख्य रूप से आग लगने की क्या वजह बताई? ये जाँच के बाद पता लगेगा। फिर भी जो अभी तक परिस्थितियाँ दिख रही हैं, बिजली के तार भी फैले हुए हैं, उनका इन्वर्टर की बैटरी भी फटी हुई है, ये विस्तृत जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि कैसे लगे। सर मुख्य रूप से कितने लोग इस बिल्डिंग में रहते थे? लगभग 50 से अधिक लोगों को आप देख रहे हैं। 5 मंजिला मकान है, छोटे छोटे फ्लैट हैं और किसी कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी स्थिति। बताया गया घटना स्थल पर एक 45 मिनट के लगभग समय लगा है। आग पर पहुँचते ही लगभग 15-20 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वैशाली से थोड़ा में इस स्थान पर आने में जो समय लगता है करीब 15-20 मिनट लगा समय, जब हमको सूचना मिली 15:46 में सूचना मिली थी और लगभग 20 मिनट में यहाँ गाड़ी आ गई थी। एक फ्लैट से और बाकी किसी फ्लैट से आग नहीं पहुंच पाई, अब बुझा लिया गया।